राशन दुकान संचालक गरीबों में बटने वाला राशन कैसे गायब कर देते हैं और मशीन का स्टॉक कुछ और बताता है। जब मौके पर जांच होती है तो सच्चाई फिर सामने आ जाती है। ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली से आई है, जहां पर रतनपुरा गांव की राशन दुकान पर गरीबों के अनाज पर डाका डाला गया है। आपको यह सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सच है। आपको बता दें कि राशन दुकान संचालक मनोहर पटेल ने इस राशन दुकान में 5,24,590 रुपए का बड़ा घोटाला किया है। जानकारी बताती है कि 76 क्विंटल गेहूं जांच के दौरान कम पाया गया, जिसकी शासकीय कीमत 2,28,060 रुपए आकी गई है, जबकि 73 क्विंटल चावल में भी घोटाला यहां पर हुआ है, जिसकी कीमत 2,92,240 रुपए बताई जाती है, जबकि 82 किलो शक्कर का तो कोई अता ही पता नहीं है, जिसकी कीमत 5,000 रुपए आकी गई है, और भाई साहब ने 190 रुपए का कीमती नमक भी गायब कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर जब कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चारू जैन ने राशन दुकान की जांच की तो पूरा मामला उजागर हुआ है। इस पूरे मामले में अब रहली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें रहली थाने की पुलिस ने 409 सहित अन्य धाराओं में यह मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39।